बजरंगी, राजू के लेके अंदर जाओ। हाँ। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बादशाह। पिछले 7 सालों में तू एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आया। खैर, एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है, लेकिन एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं भूलता। मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर निकल के आया हूं, और तुझे मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? देखो, नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है, नहीं मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी है। चुपचाप यहां से चले जाओ। चला जाऊंगा, पहले मेरे रुपए मुझे वापस कर दो। कौन से रुपए की बात कर रहे हो तुम? वहर भोले भंडारी, जरा ही अपने यहां पे दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो वो रुपए तुम्हारे पास थे। नहीं, वो रुपए और माल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये सुख चैन तुझे क्या वहां पे पड़े मिले थे जहां से पुलिस ने मेरा रुपए अपने कब्जे में किया था? नहीं, हमारे यहां हर चीज का बराबरी का बंटवारा होता आया है। तूने अपनी किस्मत बुलंद करने के लिए हम सबके साथ धोखा किया। बस, बस। इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। बादशाह, तू अपने आप को भुला सकता है, लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। याद रखना, सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को।